नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माधव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में कांग्रेस ने गुलाबी बेल्ट पेपर्स लाने का आदेश रद्द करने की मांग। गुलाब रंग सत्तारूढ़ टीआरएस से है संबंधित। मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक्सिस बैंक के वाहन से 52 लाख रुपए लूटे, एक सुरक्षा गार्ड को मारी गोली। बाली में सरकारी भूमि पर हो रहा अवैध निर्माण, हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया अवैध निर्माण। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चुनाव प्रचार की यहां बढ़िया शुरुआत की। शाम को रोड शो किया। एमएल मैदान से शुरू हुए इस रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और रोड शो के दौरान घरों की छतों और सड़क के दोनों किनारों पर लोगों का हुजूम लग गया। रोड शो से शहर अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य, देहात अध्यक्ष सहीराम दुसाद, मुमताज अली भाटी, महावीर राका, दीपक पारिक, महापौर नारायण चौपड़ा, सुरेंद्र सिंह शेखावत, मोहन सुराणा, पाबुदान सिंह राठौड़, भंवरलाल जांगिड़, मनीष सोनी, डूंगर सिंह राठौड़ सहित कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। बस्सी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र मीणा ने नई नाथ धाम भोले शिव के दर्शन करके अपनी जीत की मनोकामना लेकर कई गांवों का दौरा किया। वहीं राजेंद्र मीणा ने कहा कि सबसे पहले नई नाथ धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाने की पहली प्राथमिकता होगी। इसे सुनकर बड़े बुजुर्ग महिलाएं युवा काफी खुश नजर आए। बाप में निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को राजकीय विद्यालय बाप के खेल मैदान में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया। विभाग अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत बाप में संचालित विभिन्न राजकीय निधि विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने खेल मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षक नेता तोलाराम पालीवाल, मुरलीधर खत्री, कन्हैया लाल पालीवाल, मांगीलाल कुमावत और पूजा कुमारी आदि उपस्थित रही। बाली क्षेत्र के भैरोबा की ढाड़ी में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा है और अतिक्रमणियों ने नाले के अंदर भी निर्माण कर दिया है, जिससे आम रास्ता भी जाम हो गया है। जब स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग को की तो स्थानीय प्रशासन ने हल्का पटवारी को मौके पर भेजा और अवैध निर्माण कार्य रुकवाया। बाप में घर घर अंबेडकर अभियान के तहत समता सैनिक दल ग्राम इकाई विजयनगर की बैठक मेघवालों की ढाणियों में समता सैनिक दल प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बोलते हुए जयपाल ने कहा कि यदि हम इस समाज में आमूल चूल परिवर्तन करना है तो युवाओं को आगे आकर सामाजिक बदलाव के काम में लगाना होगा। सामाजिक बदलाव इस तरह का करे जिसमें हर व्यक्ति का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और विकास हो सके। बैठक का संचालन समता सैनिक दल शाखा फलौदी अध्यक्ष चंदन कुमार लीडल ने किया। इस मौके पर तहसील बाप सक्रिय कार्यकर्ता हीरा लाल गहलोत, लक्ष्मी लावा आदि उपस्थित थे। ग्राम इकाई का गठन किया गया। बैठक में समता सैनिक दल ग्राम इकाई विजयनगर का पठन किया गया, जिसमें बाबूराम इंडिखिया अध्यक्ष, हरिराम लीलावत उपाध्यक्ष, गोदमराम लीलावत कोषाध्यक्ष, कालूराम सचिव, अणदाराम और लालाराम आदि को सदस्य बन गए चुने गए हैं।
बूंदी में जिला कलेक्टर महेश चंद शर्मा ने आज अपने कक्ष में बूंदी उत्सव को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें जिला कलेक्टर ने पत्रकारों को बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 नवंबर से 28 नवंबर तक बूंदी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आम जनता को बूंदी महोत्सव से जोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा अपनाए जाने वाले नवाचारों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस बार बूंदी उत्सव की शुरुआत परंपरागत तरीके से गणेश पूजा में झंडारोहण के साथ होगी। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आम जनता को उत्सव से जोड़ने के लिए कई तरह के नवाचार किए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जेतपुर सहायक थाना क्षेत्र में गुरुवार को बदमाशों ने एक्सिस बैंक से एटीएम मशीनों में रुपए डालने जा रहे एक वाहन से 52 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने एक सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। नई दिल्ली में कांग्रेस ने गुरुवार को चुनाव आयोग से तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भेजी गई ईवीएम मशीन पर लगे गुलाबी बैलेट पेपरों को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि गुलाबी रंग सत्तारूढ़ टीआरएस से संबंधित है और इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपना ज्ञापन देते हुए 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आए 9 लाख गुलाबी बैलेट पेपर्स लाने का आदेश रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि गुलाबी रंग तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का आधिकारिक रंग और पार्टी का पर्यायवाची है। केशरायपाटन से भाजपा की उम्मीदवार चंद्रकांता मेघवाल ने आज अरनेठा, भिंडी, जयस्थल, पीपलदा, कोड़किया, बालाजी सहित करीब 1.5 दर्जन गांवों का दौरा कर मतदाताओं से जनसंपर्क किया। ग्रामीणों ने भाजपा उम्मीदवार का जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। क्षेत्र में मेघवाल का जनसंपर्क देखते हुए उनकी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। मेघवाल ने राज्य सरकार द्वारा कराए गए 5 वर्षों के विकास कार्य के ऊपर ग्रामीणों से वोट मांगे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।